बना रहे हैं आज, तो सीधा सीधा से आपने लेना है जी 2 चम्मच किनवा। ये 2 चम्मच हमने किनवा ले लिया। मैं कभी अब नहीं डालती बेसन क्योंकि मुझसे भून जाता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि 2 चम्मच हमने ये वाले टेबल स्पून में, ठीक है, ये चावल खाने वाला चमचा जो होता है। और उसके बाद है हमारा जी आधा चम्मच, ये आधा चम्मच बेसन हमने इसके अंदर शामिल किया है टेबल स्पून वाला, ठीक है, ये हमारा इसके अंदर चला गया। अच्छा, मैं नमक नहीं डालती, आप लोग नमक डाल सकते हैं। अब ये हमने ले लिया, इसको हमने मिक्स कर लिया, मैंने नमक नहीं डाला। आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं क्योंकि नमक भी आपका वेट को बढ़ाने का सबब बन जाता है। अच्छा, इसका तरीका ये है कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें, ठीक है, और इसको मिक्स करते जाएं। इस तरह ये होगा कि ये आपका पतला नहीं होगा, इसको थोड़ा सा सख्त भूनना है, इसको पतला नहीं करना है। इस तरीके से इसको करके आपस में बिल्कुल मिक्स करते जाइए अच्छी तरह से। उससे ये फ़ायदा होगा कि ये बिल्कुल भी पतला नहीं होगा, और जैसे आपको महसूस हो कि हाँ अब पानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने हल्का हल्का सा बिल्कुल पानी डाला है। ये देखिए, ये हो गया हमारा, अब हमें पानी की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ये मैंने पानी इसमें डाला और ये हमारे पास आ गया आटा हमारा, हमारी रोटी सीधी साइज रोटी जो है हमारी इसमें तैयार हो जाएगी। और जी ये फटाफट से तैयार हो गया हमारा पेड़ा, हमारा आटा। चलिए जी अब आगे चलते हैं हम इसको बेलने की तरफ। हाँ तो जी, ये हमने मैंने ये थोड़ा सा जौ का आटा लिया इसको ये करने के लिए, और उसके बाद इसको इस तरह करके बिल्कुल जैसे हम चंगेरी बनाते हैं ना, वो आपने इसको पहले पतला कर लेना है आगे आगे से हल्का हल्का करके, और इसको बेल लेना है हल्के हल्के हाथ से। साइज़ की रोटी हमारी हो गई है, ठीक है, हमारा तवा पहले ऑलरेडी हो चुका है और ये हमने डाल दिया तवे के ऊपर। ये हो गई हमारी रोटी तैयार। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि आपकी बेसन की रोटी होती है जिस तरीके से, बिल्कुल ये हो गई हमारी रोटी तैयार। ये लीजिए जनाब, ये आपकी हेल्दी रोटी किनवा की, इसको मज़े से खाइए जी भर के।